रोड पर हमला, गोला बाजार। गोला इलाके के ग्राम अकोल्हा में पुराने विवाद में मारपीट हो गई। हमले में एक युवक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के गौतम यादव निवासी ग्राम अकोल्हा ने पुलिस को तहरीर देकर गांव के ही कुछ लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवक ने तहरीर के माध्यम से सूचित किया है कि गांव के चार लोगों ने पूर्व नियोजित ढंग से उन पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। इसमें उन्हें सत्येंद्र यादव व अरविंद यादव को चोटें आई हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बांसगांव तहसील क्षेत्र में मतगणना शुरू। बांसगांव तहसील क्षेत्र में मतगणना शुरू हो गया है। एक तरफ प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र के इस त्योहार में जनता भी आनंद ले रही है। कौड़ी राम विकास खंड के अंतर्गत सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज के प्रांगण में प्रारंभ हो रहे मतगणना के दौरान मतगणना स्थल के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था तार तार हो गई है। यहां प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा काफी गोला तहसील क्षेत्र में रिजल्ट आने शुरू। गोला तहसील क्षेत्र में मतगणना 10 बजे शुरू हो गया है। एक तरफ प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र के इस त्योहार में जनता भी आनंद ले रही है। मतगणना के दौरान मतगणना स्थल के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था तार तार हो गई है। यहां प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा काफी भीड़ लगाई गई है। गोला ब्लॉक में मतगणना का परिणाम आने शुरू हो गए हैं। पहला परिणाम दुरुई ग्राम पंचायत का आया है, जिसमें बेशु प्रसाद निर्वाचित ग्राम प्रधानों के मतगणना के परिणाम में कुछ के सर पर बंधा ताज। अभी मतगणना का क्रम जारी है, कितने लोगों के सर पर बंधेगा ताज, जिसका परिणाम आज। गोला गोरखपुर। गोला ब्लॉक के ग्राम सभाओं क्षेत्र पंचायत सदस्यों व 3 जिला पंचायत सदस्यों का मतगणना उपनगर गोला में स्थित बीएसएबी इंटर कॉलेज परिसर में सुबह 8:40 पर बीडीओ गोला सुनील कुमार कौशल की देखरेख में आरंभ हो गया, जिसमें 72 ग्राम प्रधान, 69 क्षेत्र पंचायत सदस्य व 3 जिला पंचायत सदस्य के मतों की गणना के लिए न्याय पंचायत वार्ड कुल 9 काउंटर बनाए गए हैं। प्रत्येक काउंटर हर ग्राम सभा के लिए एक आरओ व 2 कर्मचारी मतगणना में लगाए गए हैं। आरओ अरुण कुमार सिंह के अतिरिक्त तहसीलदार गोला केशव प्रसाद बराबर मतगणना स्थल पर जमे रहे। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ठीक 10:20 पर मतगणना स्थल पर अपने दल बल के साथ पहुंचे। एसडीएम गोला राजेंद्र बहादुर, सीओ गोला अनिल कुमार सिंह, कोतवाल गोला संतोष कुमार सिंह बराबर मतगणना स्थल पर निरीक्षण। गोला विकास खंड में 3 बजे तक मतगणना का प्राप्त परिणाम में इन लोगों ने जीत दर्ज किया। गोला में 3 बजे तक मतगणना का प्राप्त परिणाम में ग्राम प्रधान पद के लिए ग्राम सभा दुरुई से बेछु प्रसाद, ग्राम सभा परसिया निस्फी राज में लक्ष्मण यादव को 436 मत, बिशुनपुर राजा में वीरेंद्र यादव को 397 मत, तीरा गांव से सूरज कुमार को 429 मत, मदरिया से महेंद्र शर्मा को कुल 584 मत पाकर सिधारी ग्राम सभा में अंजू देवी और सोनमती देवी को बराबर मत प्राप्त हुए। दोनों को 356 मत मिले। वहां पर रिकाउंटिंग भी 2 बार हुआ, लेकिन दोनों का मत बराबर हुआ। निर्णय आरओ पर चला गया। ग्राम सभा छितौना बुजुर्ग में शीला देवी को 639 मत, ग्राम सभा इरौली में राजेश यादव को कुल 220 मत, ग्राम सभा पकड़ी में ग्राम प्रधान के लिए राणा सिंह को 845 मत, ग्राम सभा मद्राहा में मोहन सोनकर को कुल 977 मत, अहिरौली प्रथम से बिंदु देवी को 372 मत, ग्राम सभा देवीहा से कमलेश मिश्रा को 501 मत, ग्राम सभा गंगवल में श्रीराम को 309 मत, भवाजीपुर ग्राम सभा से पार्वती देवी को 299 मत, पदमल पार ग्राम सभा में शीला देवी को 274 मत पाकर जीत दर्ज। विकास खंड खजनी सभी ग्राम सभा अपडेट। खजनी गोरखपुर ग्राम सभा तामा पुष्पा निषाद हुई विजयी। ग्राम सभा रामपुर पांडेगा सुबह से 112 मतों से हुए विजयी। ग्राम सभा हरनही ऋषिकेश निषाद 246 मतों से हुए विजयी। ग्राम सभा अहमदपुर राम नगीना हुए विजयी। ग्राम सभा भरोहिया 32 मतों से रमेश हुए विजयी। ग्राम सभा गोपालपुर राम प्रकाश 438 मतों से हुए विजयी। ग्राम सभा रुद्रपुर खजनी से संगम त्रिपाठी उर्फ राहुल 480 मतों से हुए विजयी।
ग्राम सभा काशिमपुर जिगनी 146 मतों से गया सिंह हुई विजयी। ग्राम सभा शतुआ भार रुपई 339 मतों से हुए विजयी। ग्राम सभा भैंसा बाजार से तूफानी 534 मतों से हुई विजयी। ग्राम सभा साहिबाबाद रामललित 372 मतों से हुई विजयी। ग्राम सभा पलहे पर बाबू फुलाव 96 मतों से हुए विजयी। ग्राम सभा खड़हर देउल मनसा 120 मतों से हुए विजयी। ग्राम सभा चरनाद बासमती 121 मतों से हुए विजयी। ग्राम सभा चनहर अभिषेक 116 मतों से हुए विजयी। ग्राम सभा जिगिना बाबू कृष्णाबाती 53 मतों से हुए विजयी। ग्राम सभा मुरदेवा बुजुर्ग मोहनलाल 251 मतों से हुए विजयी। ग्राम सभा मंझरिया अनूप सिंह शंभू 52 मतों से हुए विजयी। ग्राम सभा पिपरा बनवारी 98 मतों से उषा हुई विजयी। ग्राम सभा सतहरा मोहन किरण 93 मतों से हुई विजयी। विकास खंड बढ़लगंज नव निर्वाचित प्रधान बैदौली से रीना, कोयली खाल से पंडेलाल, खुदभार से संगीता, नेतवार पट्टी से सत्यदेव यादव, सकरा खोर से रंजू देवी, सिधुआ पार से मंजू, बहसुआ से नारद पासवान, रामनगर से हरिन। बेलघाट विकास खंड के निम्नलिखित ग्राम पंचायतों के परिणाम घोषित। ग्राम पंचायत जीते हुए प्रधान नरगढ़ा जंगा सिंह से प्रियंका निषाद, कुरावल से रीना देवी, कोठिया बिसुनी से मंजीत सिंह, लालपुर से विश्वनाथ, ढबिया से बिज्जा देवी, ठाटी से चंदा गुप्ता, लखुआ पाकड़ से सुधाकर यादव, मीरपुर से विनय यादव, भबिया से ब्रह्मदेव यादव, पीपरसंडी से अर्जुन बेलदार, डड़ीहत से सुमित्रा, नारायणपुर से धीरेन्द्र यादव, बेलघाट से अर्जुन, रामपुर गोसाई से भानु प्रताप चंद, ब्रह्मदेवा से नगीना यादव। गोला तहसील क्षेत्र में रिजल्ट आने शुरू। गोला तहसील क्षेत्र में मतगणना 10 बजे शुरू हो गया है। एक तरफ प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र के इस त्योहार में जनता भी आनंद ले रही है। मतगणना के दौरान मतगणना स्थल के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था तार तार हो गई है। यहां प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा काफी भीड़ लगाई गई है। गोला ब्लॉक में मतगणना का परिणाम आने शुरू हो गए हैं। पहला परिणाम दुरुई ग्राम पंचायत का आया है, जिसमें बेचू प्रसाद निर्वाचित। बासगांव विकास खंड के अंतर्गत जीते हुए प्रधान प्रत्याशी इस प्रकार हैं: भिटाहा से कुसुम देवी, बाही दाडी से अमरजीत यादव, गुहार से रानी सिंह, धनईपुर से रामाज्ञा यादव, गोरसौरा से दिलीप सिंह, कटवर से खुशबू यादव, फुलहर खुर्द से हरितोष पांडे, लेडुआ बारी से दिनेश यादव, लाही दाडी से सुमन देवी, पुराश पार से तरंग यादव, सदोडाट से सादा चंद, भूसवल से मीना देवी, परसिया से उदय प्रताप सिंह, बिशुनपुर से अशोक, रतसही से चंदा देवी ने जीत। सहजनवा के हरपुर बुधार थाना प्रभारी पर कोरोना पीड़ित ने अभद्रता का लगाया आरोप, अधिकारियों से की शिकायत। हरपुर बुधार पुलिस ने 500,000 के जालसाजी मामले में दर्ज किया मुकदमा। सहजनवा एसडीएम ने दिया निर्देश, सहजनवा में सभी क्रय केंद्र पर लॉकडाउन में भी होगी गेहूं की खरीदारी, किसानों को मिली राहत। सहजनवा के पाली में चुनाव ड्यूटी से लौटे शिक्षक की मौत। सहजनवा के भीटी रावत पर टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती।